हेलो, तो ये देख सकते हैं आप कि आज मैंने क्लीनिंग को सारा लिया है और क्लीनिंग में सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के बुक रैक को जो है सो क्लीन करने का आज सोची हूँ, क्योंकि उसके रैक पे बहुत सारे रैक हैं, तो लगभग चार पांच रैक हैं, तो चार पांच रैकों में फिर धीरे धीरे जमा होते होते पता नहीं बहुत सारे सामान इधर से उधर हो जाते हैं। तो अपने बुक तो सारे फिर बैग में रखती है पढ़ते समय, और फिर जो बचते हैं वो भी रैक पे रख देती है। तो कभी सारा तो बुक लगभग बैग में ही रहता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों रैक इतने गंदे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ न कुछ सामान मैं भी रख देती हूँ, कुछ न कुछ सामान छोटी बेटी भी रख देती है। तो बस यही कारण है कि उसके रैक बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और मुझे ही उसको साफ करना पड़ता है। अपने बुक को तो ठीक कर लेती है कभी कभी, पर फिर ज़्यादातर मैं ही उसके रैक को ठीक कर देती हूँ। तो आज फिर से मुझे उसके रैक में बहुत सारा सामान इधर से उधर नज़र आया, तो बस मैं उसके रैक को ठीक करने लगी। कोई ना कोई काम हर दिन एक ना एक नया काम रहता ही है, इसलिए घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप घर है, फैमिली है, तो आपको कभी छुट्टी मिल ही नहीं सकती कामों से, काम तो रहता ही है। अगर ज़िंदगी है तो बस काम है, काम है तो ज़िंदगी है, यही चलता रहता है, यही तो ज़िंदगी है। तो बस मैं अपने क्लीनिंग में लग गई हूँ, और क्लीनिंग का जो है सबसे पहले मैंने उसके रैक को स्टार्ट किया है और रैक को सारा क्लीन करके, और इधर साइड में छोटे छोटे रैक हैं जिसपे मेरे हस्बैंड के भी कुछ सामान रहते हैं, उन्होंने भी दो रैक अपने नाम करके रखा हुआ है, तो बस उनके रैक को भी मैं ठीक कर रही हूँ। पेपर वगैरह ज़्यादा बिखरे रहते हैं उनके, छोटे छोटे पेपर रहते हैं, तो बस उन सबको भी ठीक कर रही थी मैं। और सबको मैंने पन्नी में डाल के वहीं पे रख दिया है अलग अलग करके। इधर मैंने बाबू को भी नहा धो के रख दी हूँ बेड पे, तब तक वो खेल रहा है। मैंने उसे कुछ खिला दिया है इसलिए वो अभी चुप है और अकेले खेल रहा है। तो मैं इधर काम कर रही हूँ, बेड वेड भी झाड़ना था और सोफ़ा वगैरह सब भी झाड़ना था, तो वो सबको मैं इधर काम कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि मैं पिलो को ठीक कर रही थी और पिलो सबको भी लगा रही हूँ। अब मैंने चादर भी हटा दिया है, तो इधर मैं चादर भी हटा चुकी हूँ। मैंने चादर को आज हटा दिया है, दूसरा चादर मैं लगा दी हूँ। पता नहीं जब टाइम मिलता है मैं तभी हटा देती हूँ, ऐसी कोई स्पेशल दिन मैंने दो दिन तीन दिन नहीं करके रखा है। जब भी गंदा होता है, लगता है गंदा हो गया, तो मैं उसे हटा देती हूँ। पिलो कभी जब होता है तब मैं निकाल के हटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और पैर से कभी नीचे कभी ऊपर करते ही रहते हैं हमेशा, तो चादर पिलो वगैरह हमेशा गंदे ही रहते हैं, तो मैं कभी कभी हटाती रहती हूँ अपना। और ये देख सकते हैं बाबू अकेले खेल रहा है और उसे लग रहा है कि कुछ सूट हो रहा है, तो वो बस इधर भी देख रहा है और मैं उधर चादर बाथरूम में देने के लिए चली गई हूँ। मैंने चादर को सर्फ में डुबो दिया है और पिलो सबको मैं ले आई हूँ, ताकि सारे पिलो को फिर से अलग से कवर डाल सकूँ। देखिए, तब जितना काम हो सकता है मैं कर लेती हूँ इतने समय में, जब तक बाबू खेलता है या जब बाबू सोता है, तो जब सोता है तब तो खाना बनाती हूँ मैं, और अभी वो खेल रहा है तो मैं सोची उसके सामने ही जो है सो मेरा क्लीनिंग भी होता रहेगा, सफाई भी होता रहेगा और बाबू खेलता भी रहेगा। तो बस सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, तो मैं एक बार फिर से झाड़ू उठा चुकी हूँ और झाड़ू मार दी हूँ, क्योंकि कचरे तो हो ही जाते, क्लीनिंग के बाद तो हो ही जाते हैं कचरे, तो बस वही मैं झाड़ू कर रही हूँ अभी। और बाबू अपना खेल रहा है, पर बाय कर दो, कहाँ जा रहा है? ओके बाय, थैंक यू, बोलो थैंक यू। चलिए हम लोग चलते हैं सफाई करने के लिए। तो ठीक करो, इधर आ जाओ, पेपर ठीक करते हैं, इधर आ जाओ। तो हम लोग पेपर ठीक कर रहे हैं, ये देखिए कितने सारे पेपर बिखरे पड़े हैं, इन सबको है अभी रखना। और ये कुछ लोहे वगैरह का है, ये देखिए इंडिपेंडेंस डे में बनाई थी और अभी ये यहाँ पे रखती है और ये हवा में उड़ जाती है। देखिए यहाँ रखती है, यहाँ रहेगी हवा में। देखिए चलिए, क्या क्या हो रहा है, ये देखिए तो
तो ये देख सकते हैं आप कि मैं सारा पेपर वगैरह सब ठीक करके यहाँ पे अब थोड़ा देर बैठ रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी बहुत सारा काम रखा हुआ है। मैंने सारे कपड़ों को रख दिया है ठीक करने के लिए और सारे वायर सब यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और इधर बच्चे लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, उन्हें कोई सीडी वगैरह का पैकेट मिल गया है पूरा जो रखा हुआ था कहीं पे, क्योंकि सीडी सब की तो अब जरूरत पड़ती ही नहीं थी जब से मोबाइल आ गया था। तो बस वही जो मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो कहीं इसी कैरी बैग में जो मेरे हाथ में है उसमें बहुत सारे सीडी हैं, तो बस उसी सीडी में से एक उन लोगों को अपने स्कूल का सीडी मिल गया है जो कि महाराष्ट्र के स्कूल में मेरी बड़ी वाली बेटी का है। तो बस वही सीडी आज उसको देखने का मौका मिल गया और टाइम भी है, अभी पढ़ लिख ली है थोड़ा सा, अपना काम कर चुकी है पढ़ने का, तो बस बैठ के देख रही है। तो मैं भी कुछ नहीं बोल रही, बोली चलो सब साथ में मिलके देखते हैं, मुझे भी बहुत दिन हो गया था देखा हुआ वो। तो बैठे बैठे मैं बैठे बैठे देख तो नहीं सकती सीढ़ी, पर इस बैठे बैठे मैं बहुत सारे कामों में लगी हुई हूँ। तो सूखे हुए कपड़े सब भी हैं उनको भी हटा रही हूँ और ये सब जितने हैं उन सबको मैं जमा कर रही हूँ, और जो कपड़े सब सूखे हुए कपड़े सबको भी मैंने यहीं पे रख लिया है कि साथ में सबको अलग अलग छांट के और सबको ठीक कर सकूं। तो बस बैठे बैठे मेरा मल्टीपर्पज काम चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप कि मैं बच्चों के पेन पेंसिल पॉच वगैरह सब भी ठीक कर रही हूँ। तो छोटे छोटे काम ही सही, पर घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि सबको करना भी जरूरी है और वो भी टाइम पे करना पड़ता है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये कपड़े आयरन के हैं जो कि मुझे आयरन करना भी है अभी। तो बस मास्क वगैरह सब भी फेंके रहते हैं, सबको इकट्ठा करना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा ही दी कि इतने सारे कपड़े हैं ठीक करने के लिए। देख लीजिए मेरा शाम का टाइम हो चुका है और कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैं सारे कपड़ों को डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोने का भी कोई टाइम नहीं रहता है, कभी मैं सवेरे धो लेती हूँ कभी शाम को। तो बस वही कपड़े थोड़े बहुत बाकी थे, आज के ही थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, तो मैंने उनको धो के यहाँ पे लगा दी हूँ। क्या मिला? ये मिला, कहाँ लगाएगा? बाल में लगाएगा? ओह बाल में नहीं लगते, ये तो बाबू बाल में लगा रहा है। ओ गॉड,
अरे ये कपड़े में लगते हैं, कपड़े में कपड़े में लगते हैं। ये देखिए बाबू मेरे बालों में चोटी लगा रहा है। नहीं नहीं वो कपड़े में लगते हैं। तो अब कपड़े धोने के बाद अब मैं चाय लेके आ गई हूँ, क्योंकि चाय पीना तो बनता है। तो बस अब चाय पी रही हूँ, बाहर इतनी जोर की हवा बह रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो बस चाय का मजा ले रही हूँ, बच्चे भी निमकी की। गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो अभी अब चाय की टाइम हो चुकी है, तो मैं चाय बना के ले आई हूँ। थोड़ी देर आराम कर ली हूँ, मॉर्निंग से काम करते करते बस थोड़ी सी थकावट आ ही जाती है। तो बाबू अभी दूध पी रहा है, वो सोएगा। तो अभी मैं अभी और कुछ क्लीनिंग बाकी है, कुछ आलमीरा की क्लीनिंग बाकी है। इधर की क्लीनिंग तो मैं कर चुकी हूँ, अभी कोई क्लीनिंग बाकी नहीं है नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।